कैंपस ऑफ क्रॉसबोन्स लर्निंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसके अंदर वैकेंसी निकली है कई तरह की, जो कि ये तारापुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। लास्ट डेट है वैकेंसी की 23 फरवरी 2021 शाम के 4 बजे तक लास्ट डेट है वैकेंसी की। साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर की 2 पोस्ट है। 94,900 बेसिक पे है, पे लेवल 7 है। 2 पोस्ट है जनरल की। 18 से 35 के साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और लीडिंग फायरमैन की 1 पोस्ट है। 25,500 पे लेवल है। 1 पोस्ट है एससी की। 18 से 32 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ड्राइवर सैम पंप ऑपरेटर सैम फायरमैन की 2 पोस्ट है। 21,700 पे लेवल 3 है। 1 पोस्ट है एक एससी की, एक जनरल की पोस्ट है। 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। पोस्ट और नंबर वैकेंसी फॉर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर की 2 पोस्ट है। 44,900 पे लेवल है। 2 पोस्ट है जनरल की। 18 से 35 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 की 1 पोस्ट एससी की, 1 एसटी की, 6 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 7 जनरल की और 25,500 बेसिक पे है। टोटल वैकेंसी है 20 और असिस्टेंट ग्रेड 1 1 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 5 जनरल की। असिस्टेंट ग्रेड 1 1 एसटी की, 1 ओबीसी की, 2 जनरल की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 4 ओबीसी की, 5 जनरल की। सभी का ग्रेड पे है 25,500 रुपये। और 21 से 28 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो या बीएससी हो विद 50% नंबरों के साथ, 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो आपके पास, लीडिंग फायरमैन के पास आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। साइंस के साथ केमिस्ट्री में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए फायरमैन स्टेट फायरमैन फायर ट्रेनिंग सेंटर से, या हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ड्राइविंग सैम पंप ऑपरेटिंग सैम फायरमैन के लिए आपके पास 12वीं होनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ 50% नंबरों से, और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग का होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस कॉमर्स आर्ट्स होना चाहिए 50% नंबरों से। असिस्टेंट ग्रेड 1 बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स से 50% नंबरों के साथ। असिस्टेंट ग्रेड 1 बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, कॉमर्स विद 50% नंबरों से। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, और एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस आना चाहिए आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से 50% नंबरों के साथ। 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी, 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग। इसी तरह आप www.npcllcareers.com.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। 29 जनवरी 2021 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और आप 23 जनवरी 2021 तक फॉर्म भर सकते हो, जो शाम के 4 बजे तक। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल कैंपस ऑफ क्रॉसबोन्स लर्निंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।